काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हो रहा है अयोध्या के श्री राम मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, तेजी से हो रहा है विकास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 19 जून को होगा नेत्रोत्सव। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ देंगे दर्शन। उत्तराखंड के कैंची धाम में 15 जून को लगेगा वार्षिक मेला, भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। चार धाम यात्रा हुई अब और भी आसान, श्रद्धालुओं की सेहत का रखा जाएगा विशेष ख्याल। अयोध्या के श्री राम मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके मद्देनजर मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण और चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है। राम पथ को करीब 20 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के सहस्त्रधारा स्नान के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। ऐसी मान्यता है कि सहस्त्रधारा स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके मद्देनजर अगले 18 जून तक भगवान जगन्नाथ के कपाट बंद रहेंगे। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं और इस दिन को नेत्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार 19 जून को नेत्र उत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन जगन्नाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम में 15 जून को वार्षिक मेला लगेगा। इस अवसर पर पूरे देश में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अब चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में और इजाफा होगा। मिली जानकारी के अनुसार गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में ठहरने वाले यात्रियों के रहने खाने के साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अतिथि गृहों में चिकित्सक भी उपलब्ध होंगे। लंदन के हैरो में स्थित इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर में इसके संस्थापक सनातन धर्म भूषण श्री राज राजेश्वर गुरु जी ने गुजरात के भाव भावेश्वर महादेव, बरुमल के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य स्वागत किया। पूज्य स्वामी जी ने भगवान शिव की महिमा बताते हुए कहा कि सिद्धाश्रम इंग्लैंड का एक शक्ति का केंद्र है। सत्संग में पूज्य स्वामी जी ने पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी का सम्मान करके आनंद का अनुभव किया। इस अवसर पर सिद्धाश्रम स्थापित भगवान पारदेश्वर शिवलिंग का विशेष अभिषेक भी किया गया।